खबर रायबरेली जनपद से, जहां सलोन रायबरेली एक बार फिर शर्मसार हुई। मां की ममता, वह न तो मां के आंचल में खेल पाया और न ही मां की ममता को समझ पाया। इससे पहले ही मां ने अपने ही हाथों से अपने अंश को मौत की आगोश में सुला दिया। उसने अभी दुनिया में आकर आंखें खोली ही थी कि उसके नसीब में ठंड के थपेड़े लिख दिए। शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं था। खेतों में नवजात को फेंक कर उसकी माँ चली गई। पल भर के लिए माँ को ममता भी याद नहीं आई कि उसने जिस बच्चे को 9 माह तक पेट में रखा, उसे ठंड में तड़फने के लिए कैसे छोड़ दो। ठंड ने नवजात को मौत की नींद सुला दिया। जनपद में ही नहीं, पूरे देश में यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। इस मामले से माँ की ममता एक बार फिर शर्मसार हुई है। थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी ने बताया कि नवजात शिशु का भ्रूण मिला है, जिसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रायबरेली जनपद से बलवंत कुमार की रिपोर्ट। ऐसा पूरा प्रकरण आज दिनांक 18 फरवरी 2021 को प्रातः 10 बजे सलोन पुलिस को सूचना मिली थी कि रेवहारा गांव के पास गेहूं के खेत में एक भ्रूण मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर मैं स्वयं और थाना पुलिस सलोन मौके पर पहुंची थी। जाके वहां देखा गया तो राम आथरे का खेत है और उसमें गेहूं बोया हुआ है, उसी में एक पॉलीथीन में ये भ्रूण मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसको हम लोगों ने तुरंत उसको वहां से पंचायतनामा करा के और पोस्टमार्टम के लिए मुख्यालय भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम होके जब रिपोर्ट प्राप्त होगी, उसके बाद अगली आप